सो गाइस, आज हम आए हैं कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज, जहाँ पर आलू को रखा जाता है। इवन ये बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगर इस टाइम पर आप आते हो, लाइक जून जुलाई में यहाँ पर आते हो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि भाई यहीं पर अब बस जाना है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना, एसी को फेल कर देता है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ आलू रखे जाते हैं, ताकि आलू को पूरे साल चलाया जा सके, ऐसी प्लेस होती है। और हम यहाँ पर आए हैं 20 नवंबर 2020 को। इस टाइम पर आलू की जो रेट है ये 40 रुपये से 50 रुपये किलो है। तो हमने सोचा क्यों ना वेयर हाउस जाकर चेक करते हैं वेयर हाउस में आलू है या नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। और आलू बहुत कम है, लाइक इस टाइम पर जो वेयर हाउसेज हैं वो सारे खाली होने वाले हैं, आलू ख़त्म होने वाले हैं, इसीलिए तो प्राइस भी ज़्यादा है, क्योंकि सप्लाई कम है इसलिए। और जो ये आलू है, ये सिंदूरी आलू है, रेड आलू है, इसका नाम सिंदूरी है, रेड आलू होता है। और इसकी खासियत ये होती है कि ये कभी मीठा नहीं होता है, ये ज़मीन में पड़ा है। आप लोग सोच रहे हो इतना गंदा, मैं आपको बता दूँ ये मिट्टी में है। जब इसको आप एक बार वॉश करोगे ना, तो ये रेड निकल के आएगा बाहर, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए अभी ये मिट्टी में रखा गया, अगर इसको वॉश कर दोगे फिर इसको सुखाने की भी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर आलू महंगा है, तो कौन इतनी हेडक ले भाई। जल्दी से भरो और मंडी में बेचो, क्योंकि ये रेट कभी कभी मिलते हैं, इवन सालों में एक बार रेट मिलते हैं। तो ये है आलू। वैसे इनको ऐसे नहीं रखा जाता, ये अभी खाली है इसलिए ऐसे ज़मीन में पड़े हैं, वरना इनको ये जो कट्टे हैं ना, इसमें भर कर इनको अच्छी तरह से रखा जाता है। और क्योंकि एरिया ज़्यादा कवरअप करते अगर हम फैला देंगे, और इसलिए इसकी जो क्वांटिटी होती है ना वो बहुत कम रखी जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा आती है, मीन्स लागत बहुत ज़्यादा होती है, और जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको कम ही उगाया जाता है। और विद इन स्टेट इसको सेल कर दिया जाता है, इजली सेल हो जाता है, बहुत अच्छा है। और इवन यूपी में तो बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज हैं, क्योंकि यहाँ पर आलू की खेती बहुत होती है।